मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज से हम अपनी फुहार है ना हिंदी पाठमाला से पार्ट एक है आप लोगों का। सब लोगों ने निकाल लिया है ना। पार्ट एक है इतने ऊंचे उठो। क्या है बच्चों, ये एक कविता है ना। क्या कह रहा है कवि, इतने ऊंचे उठो। हमारे जो ऊंचाई है ना, उसे हमें ऊंचा बनाना है, महान बनाना है। कैसे बनाना है, महान बनाना है। और महान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सारे भेदभाव, द्वेष, अहंकार जितने हैं ना, उनसे हमें ऊपर उठ करके, उन सबको त्याग करके, उनसे ऊपर उठने की हमें ये कविता प्रेरणा देता है ना। जितने भी मतलब हमारी परंपराएं हैं है ना, जो पुरानी हो चुकी है ना, और जो नई आने वाली है, ठीक है, सबको हमें सम्मान लेकर के और उनका हमें हमारे मन में संचार करना है। क्या करना है, संचार करना है। और क्या करेंगे हम, नई पीढ़ी के लिए नई सृष्टि की रचना करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा पाठ है क्या है, इतने ऊंचे उठो। ये हमारे पाठ्य पुस्तक भारती फुहार हिंदी पाठमाला के पाठ एक से लिया गया है। और इसके कवि क्या है, श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। कौन है, श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। बच्चों हमें हमेशा कोई भी कहानी या कविता पढ़ने से पहले उनके कवि या लेखक का नाम हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये हमारा पाठ का नाम क्या है, इतने ऊंचे उठो। और ये एक कविता है, हमें कविता के माध्यम से इसमें हमें जानना है कि कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसे एक बार पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो भरा समता की भाव दृष्टि से।
अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बच्चों, आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें।